हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक हियर विथ माय न्यू रेसिपी जिसका नाम है बॉम्बे ईरानी कीमा। जी हाँ, बॉम्बे ईरानी कीमा बनाएंगे आज, तो देखते हैं इसका प्रोसेस। सबसे पहले कीमा को मैरिनेट करने लगेंगे, तो इसके लिए मैंने कीमा ली थी, उसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। क्वांटिटी सारी मैंने स्क्रीन पे मेंशन की हुई है। सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, टर्मरिक पाउडर, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मैरिनेट करने रखना है एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए। तब तक स्पाइसेस ग्राइंड कर लेंगे, सूखे मसाले जैसे जीरा, धनिया, ब्लैक पेपर, लौंग, इलायची, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और साइड में कर लेंगे। सेम जार में मैं ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव्स ले रही हूँ। मैंने ग्रीन चिली की क्वांटिटी यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, आप लोगों को जितना स्पाइसी चाहिए आप लोग उतना स्पाइसी करना, उतनी चिली लेना। एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे, हाफ कप ऑयल, थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें कीमे में तो थोड़ा ज़्यादा ही रखना। इसमें सूखे मसाले डालेंगे जैसे तेज पत्ता, एक स्टार एनीस और दो बड़ी इलायची। इसमें मैंने अनियन डाल के इसको अच्छे से सौते कर ली थी। मुझे अनियन को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसको कुक करना है, सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है। मेरे अनियन सॉफ्ट हो गए थे। अब मैं इसमें मैरिनेटेड कीमा ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अनियन के साथ। कीमा लम फॉर्म कर लेता है, अच्छे से मिक्स करिएगा, मीन्स इसको ऐसे तोड़िएगा। कीमे को अच्छे से कुक करना है, 75% डन हो जाना चाहिए आपका कीमा ये स्टेज पे। अब इसमें मैं ग्रीन पीस ऐड कर रही हूँ, हाफ कप। स्पाइस मिक्स डालेंगे जो हम लोग ने ग्राइंड करके रखे थे और अच्छे से मिक्स देंगे। जायफल का पाउडर है ये, नटमेग भी बोलते हैं इसको, ये डालेंगे, मिक्स देंगे। अब मैं इसमें कोरिएंडर एंड चिली का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, सारा का सारा ऐड कर देना है। वही जार में मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसको क्लीन करके इसमें डाल दी थी, उसमें बहुत सारा पेस्ट था, मुझे वो वेस्ट नहीं करना था। अब इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जस्ट बिकॉज कि हम लोगों को ग्रीन पीस को कुक करना है, उसको अच्छे से गला लेना है, उसके लिए उसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस थोड़ा सा पानी डालिए और अच्छे से कुक करिए। अगर आप लोगों को ग्रीन पीस नहीं मिल रहे हैं तो उसको स्किप भी कर सकते हो आप। ये सोहा वेजिटेबल, इसका नाम है सोहा, दिल लीव्स भी बोलते हैं इसको, ये डालेंगे 1 कप। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप गूगल करके देख सकते हो। अच्छे से कुक करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला पाउडर, मिक्स देंगे। कसूरी मेथी, फ्लेवर इन्हांस करेगा ये। मिक्स दे रही हूँ मैं, ये लास्ट मिक्स था। मेरा कीमा अच्छे से डन हो गया था, मीन्स कुक हो गया था। अब मैं इसको उतार ले रही हूँ और सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। पाव के साथ मैंने सर्व की थी इसको, तो कुछ ऐसा दिख रहा था मेरा बॉम्बे ईरानी कीमा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।